Hello, dear student. I, Rakesh Chaudhary, welcome you all on this YouTube channel as we were discussing our chapter of second physics, photoelectric effect and matter waves. In today's class, we will discuss the most important segment, most important part of this topic, which is Davidson-Germer experiment. So, before moving on, Davidson-Germer experiment, ये तीन चीजें हैं, ये आप करी दो, आपको बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है, तो देखिए. डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट सबसे पहली चीज क्या था उसके बारे में अपन डिस्कस करें. तो डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट पर्पस क्या था? पर्पस था टू शो दैट ए पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव, कि एक पार्टिकल है वो भी किसके तरह बिहेव करता है, वेव की तरह, यानी वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने वाला एक्सपेरिमेंट कौन सा था? डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट. और ये बात किसने बोली थी दैट ए पार्टिकल बिहेव्स लाइक ए वेव? किसने बोला था इस बात को? डी ब्रोगली ने. लास्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उन्होंने कहा था ए वेव इज रिलेटेड विद ए पार्टिकल. सो अब इस चीज को उन्होंने प्रूव करके दिखाया कि एक जो पार्टिकल है वो भी एक वेव की तरह बिहेव करता है. यहां जो पार्टिकल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम ये चीज प्रूव करेंगे इस एक्सपेरिमेंट से कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करता है? लाइक ए वेव, वो एक वेव की तरह बिहेव करता है. अब वेव की तरह बिहेव करता है तो यहां पर हमें कौन सी चीज प्रूव करनी है? यहां हम प्रूव करेंगे डिफ्रेक्शन पैटर्न, कि डिफ्रेक्शन क्या होता है. डिफ्रेक्शन जो प्रॉपर्टी होती है वो पाई जाती है वेव्स में. और क्या होती है, मैंने हालांकि थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया था लेकिन एक बार फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज डिफ्रेक्शन. तो डिफ्रेक्शन क्या होता है, देखो सबसे पहले डिफ्रेक्शन को देख लें. मान लीजिए मैं तीन चीजें यहां पर ले रहा हूं, देयर इज ए लाइट सोर्स, एन ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन. ये तीन चीजें मेरे पास हैं. अब मेरे को ये चीज प्रूव करनी है कि लाइट सोर्स है तो लाइट है वो, यहां मैं लेके चल रहा हूं कि किसकी फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है. तो यहां पर देखो अब डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या होता है. ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट गई और जाकर किस स्क्रीन पे इंसिडेंट हुई, यहां से फिर लाइट गई, वो जाके स्क्रीन पे इंसिडेंट हुई, यहां से लाइट गई, वो स्क्रीन पे इंसिडेंट हुई, और यहां से लाइट गई बिल्कुल इस ऑब्स्टेकल के पास से गुजरती हुई सामने स्क्रीन पर इंसिडेंट हुई. तो स्क्रीन का इतना वाला भाग हमें कैसा नजर आएगा? ब्राइट. अब देखो फिर यहां से लाइट गई, बीच में क्या आ गया बच्चों? ऑब्स्टेकल. अब ऑब्स्टेकल आ गया तो अब लाइट आगे नहीं जाएगी. सेम यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक. अब इस सिचुएशन में और यहां से लेकर यहां तक इतने हिस्से में क्या होना चाहिए? डार्क होना चाहिए. क्यों? उस ऑब्स्टेकल की यहां क्या होनी चाहिए? शैडो होनी चाहिए. ये वाला यहां से लेके यहां तक ये जो सेगमेंट है वो डार्क रहना चाहिए, यहां पर इस ऑब्स्टेकल की शैडो रहनी चाहिए. अगर वहां पर अपन देखें फिर नीचे से जो लाइट जा रही है तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये जाकर सामने स्क्रीन पर इंसिडेंट होगी, तो स्क्रीन का इतना वाला जो हिस्सा है वो कैसा होना चाहिए? ब्राइट होना चाहिए. अब ये पैटर्न तो हो गया यहां पर. अब देखो व्हाट इज डिफ्रेक्शन. डिफ्रेक्शन में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन डिफ्रेक्शन की ये होनी चाहिए, ए should be approximate equals to lambda. What is A here? Here A is the size of obstacle. जो भी ऑब्स्टेकल हम ले रहे हैं उस ऑब्स्टेकल की साइज अगर जो हम लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट इक्वल है, A is approximate equals to lambda. तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि लाइट जो है उस ऑब्स्टेकल की जो शार्प कॉर्नर्स होते हैं उन कॉर्नर से हल्की सी बेंड हो जाती है, और बेंड होने के बाद वो किस में एंटर कर जाती है? उस ऑब्स्टेकल की जहां पर शैडो बन रही है उस शैडो वाले रीजन में एंटर कर जाती है. कहने का मतलब ये हुआ अगर इस ऑब्स्टेकल की साइज अगर इस लाइट की वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेट इक्वल है तो इस स्क्रीन का इतना हिस्सा जो कि डार्क होना चाहिए था वो डार्क ना होकर ये हिस्सा कैसा हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा. सेम ऐसे ही यहां से एक लाइट बीम गई और वो इस ऑब्स्टेकल के शार्प कॉर्नर से यहां से डाइवर्ट हो गई और डाइवर्ट बैंड हो जाती है, बैंड होने के बाद उसके शैडो रीजन में एंटर कर जाती है. तो ऐसी सिचुएशन में इतना हिस्सा है ये भी कैसा हो गया? ब्राइट हो गया. इट मीन्स हियर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल, अब ऑब्स्टेकल की साइज ज्यादा रहेगी उसकी शैडो है वो थोड़ी सी कम होगी, और किसी भी ऑब्स्टेकल के शार्प कॉर्नर से लाइट का बेंड होकर उसके शैडो रीजन में एंटर कर जाना ही क्या होता है? डिफ्रेक्शन होता है. ये मैंने आपको बताया था कि वो हैंड वाला एग्जाम्पल लेके उस सिचुएशन में कि जैसे जैसे, अब देखो यहां पर
अब अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, इफ आई इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन, तो अगर मैं स्क्रीन को अब थोड़ा सा आगे लेकर जाता हूं तो मैं इसको थोड़ा सा यहां तक ले आता हूं। अब देखो स्क्रीन को मैंने यहां प्लेस कर दिया, अब यहां प्लेस कर दिया, ये वाली लाइट यहां से लेके यहां तक, ये वाली लाइट यहां से लेके यहां तक, इतनी बैंड होगी, तो इतना हिस्सा ब्राइट, ये हिस्सा ब्राइट, और बीच में इतना सा हिस्सा क्या हो गया, डार्क। अगर मैं स्क्रीन को और थोड़ा सा आगे प्लेस करता हूं, थोड़ा सा और आगे प्लेस करेंगे तो एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो ऑब्स्टेकल था उस ऑब्स्टेकल की वहां पर शैडो बनना ही बंद हो जाएगी, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन बोलते हैं। अब इस चीज को समझिए, यहां पर जो लाइट सोर्स है, मान लीजिए इधर लाइट सोर्स है और ये ऑब्स्टेकल है, देन बोर्ड हो गया, वो क्या हो गया, स्क्रीन हो गया, मेरा हैंड है वो क्या हो गया, ऑब्स्टेकल हो गया। अब देखिए जितना ज्यादा ऑब्स्टेकल यहां पे है, स्क्रीन यहां पे है, तो आप देखिए मेरे हैंड की जो शैडो है वो उतनी ही ज्यादा शार्प है। नाउ आई एम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन, अब देखना धीरे धीरे इसकी इमेज है वो ब्लर होती जाएगी, और जैसे जैसे मैं इस ऑब्स्टेकल को, या यूं कहूं कि ऑब्स्टेकल को मैं जैसे जैसे लाइट सोर्स के पास लेके जाऊंगा, वैसे वैसे एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि इस हैंड की शैडो बनना ही बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लाइट इधर से आ रही है तो वो मेरी जो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स की जो शार्प एजेस हैं यहां से क्या हो रही है, वो डिफ्रैक्ट हो रही है। अब देखो यहां बिल्कुल शार्प, नाउ आई एम इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल, तो देखिए धीरे धीरे इस हैंड की जो इमेज शैडो बन रही है वो धीरे धीरे ब्लर होती जा रही है, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि फाइनली और ब्लर होती जा रही है, और ब्लर होती जा रही है, मैं और डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा हूं, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि फाइनली अब इसकी शैडो बनना बंद हो गई, और यही पैटर्न बच्चों क्या कहलाता है, डिफ्रेक्शन कहलाता है। अब ये जो पैटर्न होता है वो किस में होता है, वेव्स में होता है। अगर हमने ये चीज प्रूव कर दी कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी इस पैटर्न को फॉलो करता है, तब हम प्रूव कर देंगे कि हाँ देर इज ए वेव अलोंग विद ए पार्टिकल, एक पार्टिकल भी है वो वेव की तरह ट्रीट करता है। अब इस चीज को, ये बात बोल तो थी किसने, डी ब्रोगली ने, और इसको प्रैक्टिकली तरीके से प्रूव किया था डेविशन एंड जर्मर ने। तो क्या था एक्सपेरिमेंट, आइए देखते हैं। एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले सबसे पहले हम ये देखें कि इस एक्सपेरिमेंट की कंस्ट्रक्शन में था क्या। तो दैट वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डेविशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। हियर यहां पर था एक फिलामेंट, किसका बना हुआ था, तो फिलामेंट जो था वो बना हुआ था टंगस्टन का, और इसके ऊपर हल्की सी कोटिंग कर दी थी किसकी, बेरियम ऑक्साइड की, ताकि इलेक्ट्रॉन का एमिशन इजीली हो जाए, और इसको कनेक्ट किया गया एक पावर सप्लाई से। अब देखो फिलामेंट इज कनेक्टेड विद नेगेटिव पोटेंशियल ताकि इलेक्ट्रॉन को इजीली वो एमिट कर सके। यहां सामने दो डायफ्रेम्स लगा दिए S1 एंड S2 ताकि इलेक्ट्रॉन बीम को वो सीधा कर सके, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां से इलेक्ट्रॉन बीम निकली। अब देखो जब यहां से क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम जब यहां से रेडिएट होती है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है। यहां हमने क्या लगा दिया, ये देखो इसके साथ प्लस के साथ ये कनेक्ट है, तो प्लस उस इलेक्ट्रॉन को क्या, इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये दोनों तरफ से उस इलेक्ट्रॉन बीम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इस अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका पाथ बिल्कुल कैसा हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है। वो जो पाथ है वो बिल्कुल स्ट्रेट, और ये इलेक्ट्रॉन बीम अब यहां से निकलेगी और इधर से निकलते हुए बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ में मूव करते हुए अब इंसिडेंट होती है किस पर, निकल क्रिस्टल पर। देर आर 3 सेगमेंट इन आवर एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन क्या है, टंगस्टन फिलामेंट कोटेड विद बेरियम ऑक्साइड। सेकेंड जो हमारा पार्ट होगा वो होगा टारगेट और निकल क्रिस्टल, एंड थर्ड हमारा जो पार्ट होगा वो डिटेक्टर और आयनाइजिंग चेंबर। अब देखिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर गई, वो इलेक्ट्रॉन बीम अब जाकर इंसिडेंट होती है निकल क्रिस्टल पर। पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमने निकल क्रिस्टल को क्यों चूज किया, लेट दिस इज निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल इज मेड अप ऑफ इट्स एटम्स, ये निकल के एटम हो गए। अब निकल क्रिस्टल को हमने इसलिए यूज लिया है कि किन्हीं भी दो एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है निकल में, वो डिस्टेंस होती है अप्रोक्सीमेट 2.15 एंगस्ट्रम। देन ये जो निकल क्रिस्टल के जो एटम्स हैं वो हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करेंगे, ऑब्स्टेकल की तरह बिहेव करेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल इज 2.15 एंगस्ट्रम, और
डिफ्रेक्शन पैटर्न तभी हो सकता है जब ऑब्स्टेकल की साइज और जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट इक्वल होनी चाहिए। लास्ट में जब हम लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तब इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगी 1.67 एंगस्ट्रम और यहाँ ए कितना है 2.15 एंगस्ट्रम, तो दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं, इसलिए हमने निकल क्रिस्टल को चूज किया है ताकि उस इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल रहे ऑब्स्टेकल की साइज के। तो ये हमारे पास निकल क्रिस्टल है। अब देखो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन बीम आई और वो इलेक्ट्रॉन बीम आकर किस पर इंसिडेंट हुई, निकल क्रिस्टल पर, और उसके जो एटम्स हैं वहां उन एटम से वो क्या हो जाती है, डिफ्रेक्ट हो जाती है। डिफ्रेक्शन अभी मैंने आपको बताया कि उसके जो ऑब्स्टेकल होता है उसके शार्प एजिस से डाइवर्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है और उसकी शैडो रीजन में एंटर कर जाती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन बीम आई और ये यहां से क्या हो गई, डिफ्रेक्ट हो गई। तो ये इलेक्ट्रॉन बीम आई, निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट हुई और निकल क्रिस्टल पर इंसिडेंट होने के बाद ये इधर क्या हो गई, डिफ्रेक्ट। वैसे तो ये चारों तरफ डिफ्रेक्ट हो रही है बट यहां पर हम ये देख रहे हैं कि ये इधर से क्या हुई, डिफ्रेक्ट हुई, इधर से डिफ्रेक्ट हुई। ये हमने क्या लगा रखा है, एक सर्कुलर स्केल लगा रखा है और उस सर्कुलर स्केल पर हमने यहां पर प्लेस कर रखा है एक आयनाइजेशन चैम्बर। ये एक चैम्बर है और उस चैम्बर में कौन कौन सी गैसेस फिल हैं, या तो हम SO2 गैस फिल कर सकते हैं या हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो फिल कर सकते हैं। तो ये दो गैसेस हैं वो यहाँ पर फिल हैं। अब देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम है वो इसमें से जो अपना आयनाइजेशन चैम्बर है उसमें से पास होगी और पास होने के बाद ये जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स में से जैसे ही इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी तो इलेक्ट्रॉन बीम है, चार्ज तो है ही वो, और वो इलेक्ट्रॉन बीम क्या कर देगी, इन गैस के पार्टिकल्स को आयनाइज्ड कर देगी। यानी वो जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, आयनाइज्ड हो जाएंगे और उन्हीं आयनाइज्ड पार्टिकल्स के कारण क्या होगा, इसमें हल्की सी करंट फ्लो होगी और उस करंट को किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमीटर हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब अगर इस आयनाइजेशन चैम्बर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो करंट तभी तो फ्लो हो रही होगी जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन आए कहाँ से, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से, अब देखो अभी मैंने चैम्बर को यहां रखा है, अगर यहां रखूंगा तो भी करंट आएगी, यहां रखूंगा तो भी करंट मिलेगी, यहां रखूंगा तो भी करंट मिलेगी, मतलब इसी लाइन के अकॉर्डिंग वो नहीं आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन के बाद इधर से भी आ रहे हैं, वो इधर भी आ रहे हैं, वो इधर भी आ रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और वो इधर भी मूव कर रहे हैं, सारी पॉसिबल डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं, तो हर जगह अपने को करंट है वो उसमें मिलेगी। अब इलेक्ट्रॉन बीम तो सीधी गई थी और वो फिर यहां से डिफ्रेक्ट हुई है और अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्ट हुए हैं तो डिफ्रेक्शन का पैटर्न किस में होता है, वेव में। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्ट हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव भी चल रही है क्योंकि वेव में ही डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी होती है। तो अब यहां पर ये हमारे पास आयनाइजेशन चैम्बर था, इसमें से करंट फ्लो हुई, उसको हमने मेजर कर लिया। अब देखो बच्चों यहां पर इस सिचुएशन में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमें सबसे ज्यादा करंट है वो कहां मिलेगी, पहले उस चीज को अपन देख लें। तो उसके लिए एक बार ये कैसा पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको मैं दिखाऊं आपको, तो इसके लिए एक बार इस वाले डायग्राम में अपन देखते हैं। अब यहां अगर हम देखेंगे, देखो ये क्या हो गया, ये हमारा निकल क्रिस्टल है। अब ये निकल क्रिस्टल है और इसमें ये जो मैंने आपको यहां पर दिखा रखे हैं ये क्या हो गए, उस निकल के एटम्स हो गए। डिस्टेंस बिटवीन टू निकल एटम्स डी, कैपिटल डी, और कैपिटल डी जो है वो यहां पर हमारे पास कितना है, 2.15 एंगस्ट्रम। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स ऑफ निकल क्रिस्टल। इधर से क्या आ रही है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, वो बीम यहां पर इंसिडेंट हुई और ये जो यहां से क्या हो गई, वापस डिफ्रेक्ट हो गई। देन इधर जो जा रही है वो क्या हो गई, डिफ्रेक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम हो गई। अब बच्चों डिफ्रेक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है, डिफ्रेक्शन में एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पाथ डिफरेंस होता है, पाथ डिफरेंस, देखो ये वाला पाथ डिफरेंस है यहां पे, यहां से लेके और यहां तक ये वाला पाथ डिफरेंस है। तो दिस वन इज डी, ये एंगल है वो मैं ले रहा हूं थीटा, इसको पूरे को पढ़ोगे आप उसमें जो वेव ऑप्टिक्स है उसमें पूरा पढ़ोगे, यहां से लेकर यहां तक ये पाथ डिफरेंस है। इफ दिस वन इज डी, दिस एंगल इज थीटा, देन यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, डी साइन थीटा। अब इसको ब्रेक्स फॉर्मूला अपन बोलते हैं। तो ये जो डी साइन थीटा है फ्रॉम
ब्रेक्स फॉर्मूला। ये डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि d साइन थीटा जो पार डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए किसके, n लेमडा के। d साइन थीटा इक्वल होना चाहिए n लेमडा के, वो इक्वल होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में देखें यहां पर कि ये वाला जो एंगल है कितने एंगल पे ये जो वेव है वो डिफ्रेक्ट हो रही है। अब इसी चीज को मैं ले रहा हूं यहां पर वापस डायग्राम। पहले एक बार यहां देख लें कि एक तो हम क्या रख रहे हैं, जो फिलामेंट है हमारा डायग्राम में जहां से इलेक्ट्रॉन गन जिसको हमने बोला है, जहां से इलेक्ट्रॉन है वो एमिट हो रहे हैं, उसका पोटेंशियल अलग अलग पोटेंशियल हमने उसका रखा। एक तो 44 रखा, एक 48 रखा, एक 54 रखा और एक 64 रखा। अब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन चेंबर में करंट हमें कितने पोटेंशियल पे मिली जब हमने फिलामेंट का पोटेंशियल कितना रखा, 54 वोल्ट रखा। तो जब फिलामेंट का जो पोटेंशियल था वो 54 था, एक डिफ्रेक्शन एंगल कि जब वो हमने सर्कुलर स्केल लगा रखा है, उस सर्कुलर स्केल पर जैसे जैसे हम आयनाइजेशन चेंबर जो है उसको मूव करवाते हैं तो कितने डिग्री पर हमें करंट सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो वो कितने डिग्री पर मिल रहा है, 50 डिग्री पर। कि जब हम 50 डिग्री पर आयनाइजेशन चेंबर रखेंगे, 50 डिग्री क्या हो गया, डिफ्रेक्शन एंगल हो गया है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन्स के लिए, उसको हम 50 डिग्री रखेंगे और फिलामेंट का पोटेंशियल हम 54 रखेंगे, उस टाइम पर देखो जो करंट है वो हमें सबसे ज्यादा मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ 50 डिग्री एंड 54 वोल्ट पर जो आयनाइजेशन चेंबर है उसमें करंट की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। अलग अलग पैटर्न पे 44 रखा तो हमें ऐसा मिला पैटर्न, 48 पर हमें पैटर्न ऐसा मिला, 64 हमने कर दिया तो पैटर्न ऐसा मिला, तो सबसे ज्यादा करंट हमें इस सिचुएशन में मिल रही है। अब ये तो बात हो गई इसकी, अब इसका मतलब हमने एक्सपेरिमेंट से क्या चीज प्रूव किया, हमने ये चीज प्रूव की कि यहां से इलेक्ट्रॉन बीम है वो जाती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम जाके यहां पर टकराई, यहां से क्या हो गई, वो डिफ्रेक्ट हो गई और डिफ्रेक्ट होने के बाद आयनाइजेशन चेंबर में से पास हुई, और जिस सिचुएशन में जब ये वाला एंगल हमारा कितना था, 50 डिग्री, और इस फिलामेंट का पोटेंशियल हमने कितना रखा, 54 वोल्ट, उस सिचुएशन में हमें सबसे ज्यादा करंट इस आयनाइजेशन चेंबर में मिली। इसका मतलब यह हुआ अगर आयनाइजेशन चेंबर में करंट फ्लो हो रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्ट हो रही है, और अगर इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्रेक्ट हो रही है तो डिफ्रेक्शन की प्रॉपर्टी वेव में होती है, और वेव में होती है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रही है, वेव की तरह बिहेव कर रही है। अब इस चीज को प्रूव किया, थ्योरेटिकल वैल्यू और प्रैक्टिकल वैल्यू दोनों को हमने प्रूव किया। थ्योरेटिकल वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो अभी अपन बात कर रहे थे कि डिफ्रेक्शन के लिए जो ब्रेग फॉर्मूला है, पहले मैं बात करूं थ्योरेटिकल वैल्यू की, तो फ्रॉम ब्रेक्स फॉर्मूला, यह फॉर्मूला है डिफ्रेक्शन के लिए, डी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एन लेमडा, इक्वल होना चाहिए एन लेमडा के, हियर एन इज 1, डी कितना ले रहे थे हम, 2.15 एंगस्ट्रम, साइन कितने डिग्री पर हमें सबसे ज्यादा मिला, 50 डिग्री पर, साइन 50 डिग्री, लेमडा, यहां से जब हम लेमडा की वैल्यू को सोल्व करेंगे देन ये आएगा 1.65 एंगस्ट्रम, यानी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी जो वेवलेंथ है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से कितनी आ रही है, 1.65 एंगस्ट्रम। प्रैक्टिकल वैल्यू को हम यदि हम देखें तो लास्ट लेक्चर में जब हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस डिस्कस किया था वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम की वेवलेंथ, जो इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड जो वेवलेंथ होती है लेमडा ई, उसका मैंने फॉर्मूला बताया था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, देन 12.27 अपॉन अंडर रूट वी, तो वी कितना ले रहे हैं हम, 54 वोल्ट, इसको जब हमने सॉल्व किया देन आंसर था 1.67 एंगस्ट्रम। इसका मतलब प्रैक्टिकल वैल्यू और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है, 1.65 जस्ट इक्वल टू 1.67, दोनों अप्रोक्सीमेट इक्वल हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव हुई कि एक पार्टिकल के साथ एक जो वेव है वो रिलेट करती है, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है वेव नेचर ऑफ ए पार्टिकल। तो ये था पूरा का पूरा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। सेगमेंट में 3 सेक्शन हैं, इलेक्ट्रॉन गन, टारगेट और निकल क्रिस्टल, डिटेक्टर और आयनाइजिंग चैम्बर, जिसमें SO2 और CO2 जो गैस होती हैं वो फिल होती हैं। अब हम लेंगे इस चैप्टर का लास्ट वाला सेगमेंट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
Now, the last topic of our chapter, which is Heisenberg's uncertainty principle. Now, what is Heisenberg's uncertainty principle? ये principle कहता है, at any moment, the position of position and momentum of a particle in a direction cannot be accurately measured simultaneously. कोई भी जो पार्टिकल होते हैं जिनकी साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं लाइक एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, तो जिनकी साइज बहुत छोटी होती है तो ऑब्वियसली बात है जब भी ये मूव करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. अब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि हम उन ऑब्जेक्ट की पोजिशन और उनका जो मोमेंटम होता है, पोजिशन एंड मोमेंटम जो होता है, उन दोनों को एक ही डायरेक्शन में एक ही टाइम पर एक साथ मेजर नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम मान लीजिए उस टाइम पर उसकी पोजिशन है वो मेजर करने जा रहे हैं तो उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी है वो बहुत हाई है, वेलोसिटी हाई है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंटम, पी इक्वल्स टू एम वी. और मान लीजिए इस पोजिशन पर मैं, मान लीजिए जो पार्टिकल है वो इस टाइम पे है, यहाँ पर है, और इस टाइम पर मैं उसकी पोजीशन है उसको मेजर करने जा रहा हूँ, तो जब तक उसकी पोजीशन मेजर होगी तब तक पार्टिकल वहाँ से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, आगे चला जाएगा, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी है वो हाई है, तो उसी टाइम पर फिर उसके मोमेंटम को मेजर करना पॉसिबल नहीं है. देन द प्रिंसिपल स्टेट दैट एट एनी मोमेंट द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इन ए डायरेक्शन कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर्ड. मेजर तो कर सकते हैं लेकिन एक्यूरेटली मेजरमेंट उसका नहीं हो पाएगा. किस तरीके से, आप देखो, अब मान लो उसकी अनसर्टेनिटी की बात करें, इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज डेल्टा एक्स, कि उसकी जो पोजिशन है उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा एक्स, उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कितनी है, डेल्टा पी एक्स, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स वो शुड बी ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, एच अपॉन फोर पाई के. इसको मैं ये भी लिख सकता हूं एच बार बाई टू, शुड बी ग्रेटर देन एच बार बाई टू. और इसकी वैल्यू ये क्या है, किसकी जगह पुट किया हमने, एच अपॉन टू पाई की जगह, वेर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल है केवल और केवल के लिए उन ऑब्जेक्ट के लिए जिनकी साइज होती है वो छोटी होती है. हाँ, जब ऑब्जेक्ट होता है वो बिगर साइज का होता है, बड़ी साइज का होता है, तो उस टाइम पर उसका मास भी ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो थोड़ी सी कम रहेगी. इस सिचुएशन में अगर उसकी वेलोसिटी कम रहेगी तो उसकी पोजिशन को जब हम मेजर करने जाते हैं तो उसी टाइम पर उसके मोमेंटम को भी मेजर किया जा सकता है. तो उस सिचुएशन में फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिगर साइज दिस प्रिंसिपल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वहां पर दोनों को एक्यूरेट मेजर किया जा सकता है लार्जर साइज वाले ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट के लिए उनको हम पॉसिबल जो मेजरमेंट है वो नहीं कर सकते. अब इसका वेरिफिकेशन जो है वो हम जब डिफ्रेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको इसको दोबारा पूरा का पूरा वेरिफिकेशन है वो बता दूंगा. तो इस तरीके से यह वाला जो चैप्टर था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वो हमारा कंप्लीट होता है. इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको हम स्टार्ट करेंगे. Thank you so much.